नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी के रिगार्डिंग हम फिलासफी के क्लासेस कर रहे थे, तो पहले इससे कुछ कंफ्यूजन अगर आपको है तो मैं उसको थोड़ा सा दूर कर ही देता हूँ। कुछ बच्चों को अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए अभी हम महर्षि अरविंद का हम वीडियो देख रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, महर्षि अरविंद का पूरा वीडियो नहीं देखेंगे और बीच में से कहेंगे नहीं सर ये तो अधूरा था। देखिए हर वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको एक ही चीज़ कही है कि देखिए जैसे ये जैन दर्शन का हो गया, ये बुद्ध दर्शन का हो गया, ये जिस भी फिलॉसफी का वीडियो हो गया आप इसको देखिए, इसमें कोई डाउट होता है आपको, मतलब टॉपिक वाइज कोई डाउट रहता है सर ये टॉपिक जो है मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये टॉपिक मुझे नहीं मिल रहा है, आप मुझे प्रोवाइड कर सकते। अब आपको कन्फ्यूजन क्या होती है, मान लीजिए गलती से मैंने लिखा कि बुद्ध दर्शन, ये बुद्ध दर्शन का वीडियो है, गलती से बाई मिस्टेक अगर उसमें मैंने लिख दिया भाग एक या वन लिख दिया उसके अंदर, तो आप एक्सपेक्टेशन करते हैं इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। कई बार इसमें मिस्टेक कैसे होती है, मान लीजिए एक क्लास बुद्ध की चल रही है आपके यूपीएससी के लिए, उसी टाइम एक क्लास बुद्ध की चल रही है नेट के लिए, उसी टाइम एक क्लास बुद्ध की चल रही है बिहार के लिए, उसी टाइम एक क्लास बुद्ध की चल रही है यूपी के लिए, तो कई बार जो अपलोडर होते हैं वो क्या करते हैं, बुद्ध दर्शन पार्ट वन, बुद्ध दर्शन पार्ट टू, बुद्ध दर्शन पार्ट थ्री, बुद्ध दर्शन पार्ट फोर, ताकि उन्हें याद रहे कि जो पहली क्लास आएगी पार्ट वन वो यूपीएससी की है, सेकेंड बीपीएससी की है, थर्ड यूपीपीसीएस है, फोर्थ नेट का क्लास है, वो उसकी ऐसे क्रोनोलॉजी बना लेते हैं। अब समझदारी वो ये करते हैं कि जब वो अपलोड करते हैं तो वो इस डिजिट को हटाना भूल जाते हैं 1 2 3 4 को, और वो डायरेक्ट आपको चिपका देते हैं। ये एक एक समस्या ऐसी आती है। दूसरी समस्या क्या आती है कि कई बार मैं क्लासेस के अंदर कुछ टॉपिक्स को हमेशा पेंडिंग छोड़ता हूँ, मैं ये एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप इस क्लास को पूरा देखेंगे और उसके बाद आप कहेंगे सर ये तो इसमें था ही नहीं। ये आपकी अवेयरनेस होती है कि आपने कितनी सजगता के साथ, कितनी मेहनत के साथ उस वीडियो को देखा है। जब तक आप नहीं पूछेंगे, जब तक आपके जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक मैं प्रश्न आपके समाधान नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात, अगर आपने कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे पैसा किया हो चाहे टाइम इन्वेस्टमेंट किया हो, तो उसके प्रति आप थोड़ा सा ईमानदार रहिए। अगर क्लास रेगुलर हो रहा है तो उसे देखते चलें, कुछ समस्या आ रही है तो उसे पूछते चलें। दूसरी बात, कई बार आप लोग देखते हैं कि अभी एक नॉर्मल पैटर्न हमने बना रखा है कि ये इसी तरीके से क्लासेस चलेगी, पहले चार्वाक आएगा, फिर जैन आएगा, फिर बुद्ध आएगा, फिर सांख्य आएगा, फिर योग आएगा, फिर आपका न्याय आएगा, फिर वैशेषिक आएगा, फिर मीमांसा आएगा, फिर वेदांत आएगा, और फिर अरविंदो के खत्म हो जाएगा। मेरा थोड़ा सिस्टम अलग सा है, मैं मेरे अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करता रहता हूँ। हाँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी, आज का क्लास आप देखने के बाद, अरविंद का क्लास देखने के बाद, यूपीएससी का इंडियन फिलॉसफी का सिलेबस एक पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो गया, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए हैं। मंडे को हम इंडियन फिलॉसफी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि इंडियन फिलॉसफी क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। मंडे और ट्यूसडे दो दिन हम सिर्फ इंडियन फिलॉसफी के क्वेश्चंस देखेंगे। उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक नहीं हुआ है या टॉपिक नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे पूछिएगा। या आपको लगता है सर ये टॉपिक के रिगार्डिंग मुझे स्टडी मटेरियल मेरे पास नहीं है, तो हम बुधवार तक वो सब कंप्लीट कर लेंगे, फिर गुरुवार से हम वेस्टर्न फिलॉसफी की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, महर्षि अरविंद की बात करते हैं। महर्षि अरविंद बेसिकली एक क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरी थे, बाद में क्रांति को छोड़कर इन्होंने संन्यास ले लिया, और संन्यास लेने के बाद इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। बेसिकली तो अरविंद का जो नाम है, महर्षि अरविंद का, वो तो भारतीय समकालीन दर्शन के अंदर लिया जाता है, इंडियन कंटेम्प्ररी फिलॉसफी, क्योंकि ये समकालीन है। समकालीन का मतलब ये मेरी टाइमलाइन के आसपास के, मेरी टाइमलाइन के आसपास का मतलब कि जो मेरा जीवन है उससे पीछे अगर मैं 100 ईयर्स की स्टडी करता हूँ तो ये उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम वैदिक फिलॉसफी पढ़ते थे तो वो प्राचीन दर्शन है, मतलब कि वो इतना पुराना है जब मैं या मेरे आसपास का कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं था या जिंदा नहीं था। मान लीजिए अरविंद की हम बात करें तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे अरविंद मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, या अरविंद मेरे साथ रहते थे, या कहेंगे मेरे दादाजी के अरविंद बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे परदादाजी के जो है बहुत खास थे महर्षि अरविंद। तो ये समकालीन है, मतलब एक टाइमलाइन फिक्स है कि आज से मान लीजिए आप रफली कि 100-150 साल पहले का जो एक लाइफ है वो उसको हम समकालीन कंटेम्प्ररी के अंदर मानते, इससे पहले वाले को हम प्राचीन में मानेंगे कि जो हमारा दौर चल रहा है उसका फिलॉसफर, तो वो महर्षि अरविंद है। ये क्या कहलाता है, ये पूर्ण अद्वैत कहलाता है, कंप्लीट अद्वैत।
अद्वैत का मतलब आप समझते ही हैं कि जब संसार और ईश्वर इन दोनों को एक ही माना जाता है तो वो कहलाता है अद्वैत, नॉन ड्यूअलिस्टिक फिलॉसफी। पूर्ण अद्वैत मतलब यहां इन्होंने एग्जैक्ट या आइडल या एब्सोल्यूट कंडीशन पर माना कि ये पूर्ण अद्वैत है, अपूर्ण अद्वैत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां जड़ और चेतन के द्वैत को भी खत्म कर दिया गया। यहां पर जो जड़ है और जो चेतन है उसका भी द्वैत स्वीकार नहीं किया गया। मतलब शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म एक है, ब्रह्म ईश्वर को बनाता है, ईश्वर और माया मिलकर संसार को बनाती है। संसार में दो तरह की अलग अलग चीजें दिखाई देती है, एक जड़ है और एक चेतन है, दोनों का निर्माण ईश्वर करता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जड़ और चेतन के रूप में मैंने दो अलग अलग सत्ताओं को एक्सेप्ट किया था। अरविंद का कहना है चूंकि ईश्वर ने ही इन्हें बनाया है तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही है। अरविंद का मत है कि परमात्मा या परम तत्व के अंदर जड़ और चेतन दोनों पक्षों का एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, एक कंपोजिशन दिखाई देता है, एक समन्वय दिखाई देता है और ये हमेशा रहता है। अरविंद के दर्शन में यह समन्वय इसलिए किया गया है कि अरविंद का मानना था कि जड़वाद और चेतनवाद दोनों एक जैसे सिद्धांत हैं, एक अंग सिद्धांत है। एकांग सिद्धांत मतलब एक ही अंग के दो सिद्धांत हैं। मतलब आपके शरीर में दो हाथ हैं, क्या दोनों हाथ अलग अलग हैं? नहीं, आप कहेंगे सर शरीर तो एक ही है तो हाथ भी मेरे ही हैं। ऐसा नहीं है कि एक हाथ में उधार मांग कर लाया, वो दोनों हाथ मेरे हैं। इसी प्रकार से अगर आप परमात्मा हैं तो आपका एक हाथ जड़ है और एक हाथ चेतन है। आप कहेंगे नहीं सर, या तो दोनों चेतन है या दोनों जड़ है। अच्छा, मैं ऐसे कह दूं कि कुछ जगह पर ये जड़ है और कुछ जगह पर ये चेतन है तो काम चल जाएगा? आप कहेंगे हाँ, तब ठीक है। वापिस वही बात अरविंद कह रहे हैं, दोनों एक अंग सिद्धांत हैं, एक ही अंग के जैसे ये दोनों हैं, यहाँ दोनों अलग नहीं है। चेतनवाद भौतिक वस्तुओं का निषेध उसी तीव्रता के साथ करता है जिस प्रकार जड़वादी चेतनवाद का निषेध करते हैं। मतलब जो चेतन सिद्धांत है, जो चेतना को मानता है, वो सिद्धांत हमेशा इस जड़ जगत का निषेध करेगा कि जो भी चेतन रहित पदार्थ है उसका अस्तित्व कभी नहीं होता। दूसरी तरफ जो जड़वादी दर्शन है, जो केवल चेतन रहित सत्ता को मानता है, वो कहेगा चेतना जैसा कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं दोनों का अस्तित्व है और दोनों के नजरिए से देखने पर एक दूसरे का कटाक्ष किया जाता है। लेकिन अगर आप दोनों को ऊपर से देखें तो आपको दोनों का अस्तित्व दिखाई देगा और दोनों में समानता ही दिखाई देगी। अरविंद ने अपने दर्शन के अंदर परम तत्व नामक सत्ता की व्याख्या की है और यह परम तत्व पूर्ण चेतन है जो पूर्ण ज्ञान व क्रियात्मक शक्ति से युक्त है और इसका स्वरूप जो है वो सत्य चित्त और आनंद के जैसा है। ये फिलॉसफी अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी में जाएंगे तो वहां पर एक दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है लाइबनिट्ज़। ये फिलॉसफी कुछ वैसी दिखाई देती है। लाइबनिट्ज़ भी कहते हैं कि मेरा जो परमात्मा है वो पूर्ण चेतन है, वो सच्चित आनंद है, वो सर्वेश्वर है, वो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन उसमें जो चेतना है वो परम चेतना है, इतनी चेतना और किसी में हो ही नहीं सकती। सेम कंसेप्ट अरविंद का। और इसी परम तत्व की जगत के रूप में अभिव्यक्तियां होती है। अब आती है इसकी बेसिक फिलॉसफी, प्रतिविकास या अवरोहण और विकास आरोहण। कहां गया? यहां से। ठीक है, विकास कैसे होता है इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सांख्य दर्शन ने हमें विकास के लिए क्या बताया? सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग, केवल प्रकृति विकास नहीं कर सकती, केवल पुरुष विकास नहीं कर सकता। प्रकृति में तीन तत्व पाए जाते हैं जो कि साम्य अवस्था में रहते हैं, इन इक्विलिब्रियम स्टेज। जैसे ही पुरुष या चेतना उसके पास पहुंचती है तो वो उस इक्विलिब्रियम स्टेज को डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, कहीं ना कहीं आकर्षित करने की कोशिश करता है और वो उन तीन तत्वों में से किसी एक तत्व को तोड़ देता है। जैसे ही वो तत्व दूर निकलता है तो प्रकृति कहती है कि इसको वापस कवर करो, इसे वापस कवर करो, इसे वापस कवर करो। और इस योजना का नाम है विकास। जब
प्रकृति अपने मौलिक स्वरूप में लौटने का प्रयास करती है, तो उसी प्रक्रिया के दौरान जो घटनाएं होती है वो सारी घटनाएं विकास कहलाती है। ये सांख्य दर्शन का सिद्धांत था। अरविंद थोड़ा सा इसको लॉजिकल या फिर मैं कहूं कि थोड़ा सा चेतना के रूप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। परम तत्व है, परम तत्व जो है सबसे पहले इस जगत के अंदर अवतरित होता है, अवतार लेता है। परम तत्व यहां पर अवतार लेता है, इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास बहुत सारा पानी है, आपने उस पानी को लिया और एक ग्लास के अंदर डाल दिया, ग्लास को आपने भर दिया, तो ये इस ग्लास के अंदर इस पानी का अवतरण हो गया। अब वहां पर अवतार हो गया, पानी वहां पर आ गया। अब उस पानी की एक फर्स्ट स्टेज है और मुझे उसके वेपर बनाने हैं या फिर उसको मुझे ठंडा करना है, तो अलग 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 स्टेजेस पे, मतलब पहले कभी आप फ्रिज के अंदर, अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर जहां बर्फ जमती है वहां पर एक ग्लास पानी का रख लीजिए, कांच का ग्लास, और इसकी मॉनिटरिंग करते रहिएगा। पूरा पानी एक साथ नहीं जमता है, कभी भी अलग अलग स्टेजेस में जमता है। पहले कुछ भाग जमेगा, अगर आपकी फ्रिज ऊपर से ठंडा कर रही है तो ऊपर से जमना शुरू होगा वो और नीचे तक जमता चला जाएगा। अगर कूलिंग नीचे की तरफ से आ रही है तो नीचे से जमना शुरू होगा और ऊपर तक जमता चला जाएगा। इट मीन्स सबसे पहले ईश्वर इस जगत में अवतार लेता है, एक चेतना इस जगत में ट्रांसफर होती है, और ये ट्रांसफर होने वाली ऊर्जा, ट्रांसफर होने वाली चेतना अलग 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 स्टेजेस से होती हुई आगे बढ़ती है। ये जब निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ बढ़ती है, इसी का नाम है विकास। वापस समझिए, एक चेतना है वो अपने आप को प्रदर्शित कर रही है आपके सामने, इसका नाम है अवतरण, अवतार। हम कहते हैं ना ईश्वर ने अवतार लिया है। ईश्वर ने अवतार का मतलब क्या है कि एक चेतना जो है, एक ऊर्जा जो है, एक किसी व्यक्ति विशेष के अंदर अब पैदा हुई है अचानक से। अब छोटा बच्चा हमेशा ज्ञानी नहीं होता है, छोटा बच्चा जिसकी ऊर्जा बहुत निम्न स्तर पे है, छोटा बच्चा निम्न स्तर पे है, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कोई भी हो, जब ये पैदा हुए तो इन्होंने भी आपके और मेरी तरह सबसे पहले रोना शुरू किया था, क्योंकि ये प्रारंभिक अवस्था है जिसमें चेतना निम्न स्तर पर होती है, लोएस्ट लेवल के ऊपर होती है। धीरे 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 ये चेतना आगे बढ़ती जाती है। आप और मैं अलग अलग काम में बिजी हो गए, राम कृष्ण और जितने भगवान हुए या जितने भी राक्षस हुए, इनकी ऊर्जा अलग अलग जगह पर डेवलप होना शुरू हुई। मान लीजिए कृष्ण और राम जो भगवान बने तो उनकी चेतना एक सात्विकता की तरफ बढ़ती चली गई और वो ईश्वर हो गए। रावण या कोई राक्षस था, उनकी चेतना धीरे धीरे विकसित होते हुए तामसिकता की तरफ चली गई और वो राक्षस हो गए। तो कहने का तात्पर्य, प्रारंभ हमेशा निम्न स्तर से होगा। आप जब स्कूल में पढ़ने गए थे तो आप सबसे पहले LKG क्लास में गए, UKG क्लास में गए, गांव में जाएंगे तो आप, आपको फर्स्ट क्लास भी 3 बार पढ़नी पड़ती थी, कच्ची फर्स्ट, फिर पक्की फर्स्ट, फिर फर्स्ट, ठीक है। हमारे गांव में कहते कच्ची पहली, पक्की पहली और फिर पहली क्लास, तो फर्स्ट क्लास 3 बार पढ़नी पड़ती थी। ये क्रमिक विकास है, एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है, शून्य से अनंत की यात्रा है। अरविंद आपको यही समझा रहे हैं कि जब ईश्वर चेतना के रूप में जगत के अंदर आ जाता है तो ये तो हो गया अवतार, लेकिन अवतार आते ही वो कभी अपने आप को भगवान नहीं समझेगा। भगवान मतलब उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, संभावनाएं पूरी है लेकिन विकास नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे जब निम्न स्तर से उच्च स्तर तक यात्रा चलती जाएगी तो इसी का नाम है विकास। डाउट क्लियर है? जो उच्च स्तर हैं, जो हाईएस्ट लेवल हैं, वो जब निम्न स्तरों के अंदर एक्सप्रेस होते हैं या अभिव्यक्त होते हैं, उनका नाम है अवरोहण। अवरोहण, अरविंद जो है वो प्रयोजन पूर्ण है, उनका एक मोटिव है, वो स्पिरिचुअल है और सर्वांगीण, वो कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करते हैं। अरविंद के दर्शन के अंदर विकास के साथ साथ प्रतिविकास का भी वर्णन है। जहां एक और उन्होंने डेवलपमेंट की बात कही, वहां दूसरी ओर उन्हें आप, जिसको आप एंटी डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कह सकते हैं, प्रति विकास की भी बात की, और इसके साथ साथ मानस, अति मानस जैसे अलग अलग कंसेप्ट समझाए, हम अभी डिस्कस करते हैं। प्रति विकास क्या है? विकास तो आप समझ गए, ईश्वर आया, लोएस्ट लेवल पर पैर बैठा और वहां से ऊपर उठना शुरू हुआ, तो वो हो गया विकास। प्रति विकास क्या है? सिंपल, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए।
उच्च स्तर से अब आप निम्न स्तर की तरफ आ रहे हैं, तो ये हो गया प्रतिविकास। और प्रतिविकास के कारण ही विकास संभव हो पाता है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है, सर ये समझ में नहीं आता, ये कंसेप्ट क्या है, इसको आप इस तरीके से समझ। एक छोटा बच्चा है, बड़ा होता है, फिर क्या हमेशा बड़ा रहता है क्या? नहीं सर, बूढ़ा भी होता है। सर बूढ़ा होता है, फिर सर मर जाता है, मर जाता है, फिर से बच्चा बन जाता है, फिर सर फिर से बड़ा बन जाता है, फिर सर फिर से बूढ़ा बन जाता है, फिर सर फिर से मर जाता है, फिर सर फिर से छोटा हो जाता है। ये पूरा एक चक्र है, ये पूरा एक साइकिल है। छोटा बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया, फिर पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, मर गया। तो मरने का मतलब क्या हुआ? मरने का मतलब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ये जीरो से यात्रा शुरू हुई थी, ये एक, ये दो, ये तीन, फिर से जीरो, फिर से एक, फिर से दो, फिर से तीन, फिर से जीरो, और ये यात्रा इस तरीके से चलती रही। ऊर्जा एक बार में जीरो से तीन तक गई है और दूसरी बार में फिर से तीन से जीरो पर आ गई है। तो जब यात्रा चेतना ऊर्जा क्रिया जीरो से तीन तक जा रही है तो ये हो गया विकास, और जब तीन से फिर जीरो पे आ रही है तो प्रतिविकास। इस तरीके से ही हमेशा जगत चेतना ऊर्जा चलती है। यहाँ विकास का तात्पर्य है परम तत्व का अज्ञान के अंदर प्रविष्ट हो जाना। परम तत्व अब अज्ञान में है तो वो विकास होगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं उससे दूर हो जाऊं। हम विकास क्यों करते हैं? हम सीखते क्यों हैं? हम पढ़ते क्यों हैं? ताकि जो अज्ञान हमारे अंदर छिपा हुआ है वो खत्म हो जाए। हम नहाते क्यों हैं? ताकि जो गंदगी हमारे ऊपर है वो हट जाए। हम भक्ति क्यों करते हैं? ताकि जो गंदगी हमारे अंदर है, शरीर के बाहर नहीं अब अंदर जो गंदगी है वो खत्म हो जाए। उसी तरीके से जो चेतना है वो विकास क्यों करती है? ताकि उसका जो अज्ञान है वो उसके साथ साथ खत्म होता चले। अब इसको आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आप हैं, आप अभी इस अवस्था में है कि आप, या मैं, चलिए आप नहीं, मैं ही मान लीजिए, मैं अभी अज्ञान की अवस्था में, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं। उस अज्ञान की अवस्था में मुझे ये पता है कि ये दुनिया है, ये खाना है, ये पीना है, ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दुश्मन है, ये गाड़ी है, ये घोड़ा है, ये छत है, ये आसमान है, ये बारिश है, ये तूफान है, ये सब मुझे पता है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे अज्ञान भी बहुत सारा है। मुझे ये क्यों है, मैं क्यों हूँ, आप क्यों हैं, ये बादल क्यों है, इसका शायद मुझे ज्ञान नहीं है। मुझे उस चेतना का ज्ञान नहीं है जिस चेतना को हमने अवतरित माना है कि ये इस जगत में अवतरित हुई, हमें उसका ज्ञान नहीं है। तो मैं मानस तो हूं लेकिन अज्ञान मेरे अंदर बहुत है। तो मानस का मतलब है अज्ञान से भरी हुई चेतना, जिसमें बहुत सारा अज्ञान रहता है। धीरे 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 जब मैं विकास करता चलूंगा, धीरे धीरे जब मैं डेवलपमेंट करता चलूंगा, तो मैं बन जाऊंगा अतिमानस। अतिमानस उस अवस्था का नाम है जहां चेतना पूर्ण हो चुकी है। मैं सो भी रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। मैं जाग भी रहा हूं तो भी मैं सो रहा हूं क्योंकि मुझे थकान नहीं हो रही है। मैं खा नहीं रहा हूं तब भी मेरा पेट भरा हुआ है क्योंकि मेरा शरीर को मैंने ऐसा बना लिया है कि वो शरीर अपने आप चीजों को एडजस्ट कर रहा है। मैं बहुत सारा खा रहा हूं मैं फिर भी भूखा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरी भूख नहीं मिट सकती, शरीर की तो मिट जाएगी। इट मीन्स जब आप खुद को पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेल्फ जब हो जाता है, उसी का नाम है अतिमानस, जिसको आप सुपरमैन भी कह सकते हैं, सुपर ह्यूमन भी कह सकते हैं, सुपर कॉन्शियस भी कह सकते हैं, वो है अतिमानस। और अरविंद के दर्शन में इसको परमपिता परमेश्वर या परम तत्व या भगवान माना है। तो इस डायग्राम के हिसाब से देखिए, जब ईश्वर जगत में प्रकट होता है तो इसका नाम है प्रतिविकास। यहाँ पर हमें अज्ञानता मिलती है, लेकिन जब ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसका नाम है विकास। जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा था, ये पूर्ण हो चुका है, अब ये फिर से जीरो पे चला जाएगा तो ये हो गया प्रतिविकास। लेकिन ये फिर से जब विकास करेगा तो ये फिर से ज्ञानी हो जाएगा। तो ये विकास, प्रतिविकास, मानस, अतिमानस। मानस वो अवस्था है जिसमें ईश्वर का अवतरण तो हो गया है, लेकिन इस अवतरण के अंदर शून्य
निम्न स्तर के ऊपर अभी चेतना है, अज्ञान अभी ज्यादा है, तमोगुण की थोड़ी सी प्रधानता है, तो फिर क्या किया जाए? विकास का, विकास का क्या करना है? जो परम पिता, जो परम चेतना, जो परम तत्व अवतरित हुआ था, क्यों ना अब उसकी तरफ फिर से चला जाए। कभी चींटी को देखिएगा, चींटी को आप मारते हैं तो वो थोड़ी दूर तक तो जाती है, गिरते 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 फिर से आपके पास आती है, फिर से मारिए फिर से आपके पास आएगी, फिर मारिए फिर आपके पास आएगी, आप देखेंगे मेरे पास आ रही है। नहीं, चींटी जब भी किसी रास्ते से गुजरती है तो वहां पर वो खुशबू छोड़ते हुए चलती है अपनी, ताकि उसको सुनकर वो आगे बढ़ सके, क्योंकि उसके पास आंखें नहीं होती, बेचारी के पास अंधी होती है। तो उसने, आपने उसको मारा तो उसने आपकी चोट तो खा ली, लेकिन वो उस रास्ते को कैसे भूले जिस रास्ते पर वो अपनी खुशबू छोड़ते हुए जा रही थी, वो फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ेगी। आपने फिर मारा, वो फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ेगी। कहने का तात्पर्य अरविंद कह रहे हैं कि जब एक परम तत्व अवतरित होता है, अवतार लेता है, तो जो रास्ता है उस रास्ते को तो वो नहीं भूलेगा, उसी रास्ते पर फिर से चलेगा कि मैं फिर से परम तत्व की प्राप्ति कर लूं, फिर से परम तत्व की प्राप्ति कर लूं, फिर से परम तत्व की प्राप्ति कर लूं। तो जब परम तत्व ने आपको धरती पर भेजा, ये प्रति विकास है, और जब आप फिर से परम तत्व के पास जा रहे हैं, ये विकास है। आगे देखते हैं, अरविंद कहते हैं कि अज्ञान के कारण ही हम ज्ञान की तरफ बढ़ने को मजबूर होते हैं। कहने का तात्पर्य अरविंद कह रहे हैं कि अगर अज्ञान ना होना जीवन में तो ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ा जाएगा। जब तक आपके पेट में जगह नहीं है तब तक आप भोजन की तलाश नहीं करेंगे, जब तक कि आपकी आंखें खराब नहीं है आप उस पर चश्मा नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार से जब तक मस्तिष्क में अज्ञान नहीं है तब तक ज्ञान की तरफ यात्रा शुरू नहीं हो सकती। अज्ञान ज्ञान की पहली सीढ़ी है, पहला रास्ता जो शुरू होता है ज्ञान का, वो अज्ञान से शुरू होता है, और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य ज्ञान ही है। अरविंद आगे कहते हैं कि माया, जो शंकराचार्य ने कहा था, क्योंकि मैंने कहा ये पूर्ण अद्वैत दर्शन है, तो शंकराचार्य का जिक्र यहां आएगा। माया ही वो नियम है जिसके कारण सृष्टि चलती है। माया क्या है? अरविंद से आप पूछेंगे तो महर्षि अरविंद कहेंगे, माया परम तत्व की वो शक्ति है जो परम तत्व को अलग अलग तत्वों में विभाजित करके उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। कहीं पर वो भगवान कृष्ण बन गया, कहीं पर वो भगवान शिव बन गए, कहीं पर वो अल्लाह बन गए, कहीं पर वो नानक साहब बन गए। कैसे? जब परम तत्व परम पिता एक है तो अलग अलग भागों में विभाजित कैसे हुआ? तो महर्षि अरविंद कहते हैं कि ये माया है, ये परम तत्व की वो शक्ति है जो परम तत्व को अलग अलग तत्वों में विभाजित करके उसको अलग अलग अभिव्यक्त करने की कोशिश करती है। हम माया और परम तत्व के बीच के संबंध को केवल विचारों के स्तर पर ही खंडित कर सकते हैं, वास्तव में आप इसे अलग नहीं कर सकते। विकास, विकास हो ही गया आपका। विकास प्रक्रिया तीन तरीके से चलती है। पहला है विस्तारण, उधर्वीकरण और एकीकरण। विस्तारण, विकास के प्रत्येक स्तर में अनेकताएं देखी जाती है, क्योंकि सत का प्रत्येक रूप अलग अलग पदार्थ के रूप में एक्सप्रेस होता रहता है। विस्तारण का मतलब फैलना, बहुत सारी अनेकताएं देखी जाएगी। जब आप छोटे बच्चे होंगे तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे, मुझे फ्यूचर में करना क्या है, तो फिर आप क्या करेंगे? उध्र्वीकरण करेंगे। आप अपना टारगेट फिक्स करेंगे कि मुझे ये करना है, और फाइनली आप अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करके एकीकरण करके आगे बढ़ जाएंगे। अरविंद कहते हैं कि जब तक व्यक्तिगत इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक जगत का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो सकता। पूर्ण विकास अगर चाहिए तो उसके लिए व्यक्तिगत विकास करना होगा। मानस और अतिमानस, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है, अज्ञान की चेतना रहित अवस्था या फिर चेतन कमी हो जिसमें, वो अवस्था है आपकी मानस, और जिसमें पूर्ण चेतना हो गई वो है अतिमानस। अतिमानस इसको आप ईश्वर भी समझ सकते हैं, परम तत्व भी समझ सकते हैं। मानस मतलब आप और मैं, एक व्यक्ति।
तो ये मिट्टी है और ये घड़ा है, दोनों के अंदर एक ही तरह का कंपोजिशन है, दोनों में सब कुछ है, लेकिन मिट्टी का कोई स्वरूप नहीं है। मिट्टी में संभावनाएं हैं लेकिन मिट्टी का अभी विकास नहीं हो रहा है। तो ये धीरे 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 विकास, ये अवस्था है विकास की अवस्था, ये धीरे 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 घड़ा बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? अतिमानस बन गया, इसका रूप बन गया, एक स्वरूप बन गया, वास्तविकता को इसने प्राप्त कर लिया, जिसके लिए इसका जन्म हुआ था उसे इसने प्राप्त कर लिया। और आपके और मेरे जैसा इंसान अगर इसको वापस तोड़ देता है, फिर से इसकी मिट्टी बना देता है, तो ये प्रतिविकास, हाँ, घड़े से फिर मिट्टी बन गई, फिर मानस और अतिमानस, ठीक है, पूर्ण योग। इसको आप पढ़िएगा, ये नोट्स मैं आपको दे दूं, दे रखे हैं वैसे तो मैंने। एक चीज हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखें, चूंकि आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, डिपेंडेंसी आपके लिए घातक है, कभी किसी पर निर्भर ना हो। टीचर या कोई भी आपका शिक्षक है, वो आपको हमेशा ओवरऑल स्टडी करवाता है, थॉरली स्टडी करवाता है कि हाँ साहब ये, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। अब आप क्लास के नोट्स खोलिए, नोट्स को पढ़िए, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन होती है तो आप पूछिए। लेकिन आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं नहीं सर हमें तो हर एक चीज एक एक लाइन समझा दीजिए, हम घर बैठ कर नहीं पढ़ेंगे, तो भैया फिर तो समस्याएं ज्यादा हो जाए। पूर्ण योग, अरविंद का योग पूर्ण योग या सर्वांगीण योग कहलाता है, क्योंकि यहाँ तीन प्रकार के योग संबंध है। जीव का उस आत्मा के साथ योग जो इस जगत की नहीं है, पारलोक की है, आत्मा का परमेश्वर के साथ योग जो विश्व आत्मा है, और आत्मा का खुद के साथ योग, मैं क्या हूं। अरविंद ने पुरानी योग विधियों का खंडन नहीं किया, बल्कि अरविंद का कहना था कि ये सब विधियां व्यक्ति के एक विशेष अंग को स्पर्श करती है, इसी कारण व्यक्ति का कभी सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। सर्वांगीण विकास करना है तो एक काम करो, एक एक योग विधि को मत पढ़ो, सभी योग विधियों को मिला दो और एक नया कंसेप्ट पैदा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर राजयोग, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सबको मिला दिया गया, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसे डिसिप्लिन बनाए गए जो आज तक किसी ने यूज नहीं किए थे। अरविंद का कहना है कि मानस से अतिमानस की जो यात्रा है, इसमें अगर पूर्ण योग को डाल दिया जाता है तो यह एक तरह से ऐसे सब्सटेंस की तरह काम करेगी जो आपकी रफ्तार को बढ़ा देगा। कैटलाइज, एक नाम सुना होगा आपने, है ना, कैटलिस्टिक कुछ ग्रुप होते हैं केमिस्ट्री के अंदर जो एक रिएक्शन को तेज कर देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं भैया पानी गर्म करो तो उसमें नमक डाल देना, पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, कहते हैं ना हम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक उत्प्रेरक है, ये रफ्तार को बढ़ा देता है। तो जब आप अरविंद से पूछेंगे कि प्रभु मैं इसको क्यों मानूं, पूर्ण योग का मुझे क्या मतलब है, तो अरविंद कहते हैं कि जो मानस से अतिमानस की यात्रा है, उसमें अगर आप पूर्ण योग को मानेंगे तो आपकी यात्रा जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो ये महर्षि अरविंद, क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना, विकास, प्रतिविकास, ये प्रोसेस है, किस किस के बीच में, मानस और अतिमानस के बीच में। रफ्तार कैसे बढ़ जाएगी, तो अभी मैंने आपको बताया था, रफ्तार पूर्ण योग से बढ़ जाएगी। पूर्ण योग क्या है, सारे योग का समावेशन, जिसमें मेरा और परमात्मा का, मेरा जगत आत्मा का, मेरा और खुद का संबंध मजबूत करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये महर्षि अरविंद, संडे का टाइम आपके पास है, संडे तक अगर कुछ पेंडेंसी आपको लगता है क्लास में है तो आप मुझे बता दीजिए। मंडे को मैं आपको एक समरी बताऊंगा पूरी इंडियन फिलॉसफी की, कि भैया कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है, और वो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। दो दिन की क्लास लूंगा, धन्यवाद।